फ्रेंड्स टू माय चैनल आईटीआई स्किल फॉर यू। फ्रेंड्स हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विच देखेंगे आज। ये हो गया मेरा वन वे स्विच है और ये मेरा टू वे स्विच है। ये टू वे वन वे स्विच को सिंगल थ्रो के लिए यूज किया जाता है और ये हो गया टू वे स्विच जिसमें मेरा ये सिंगल पोल और डबल थ्रो होता है। इसको सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम टू वे स्विच की मदद से वन वे स्विच की मदद से हम एक बल्ब को ऑन ऑफ करते हैं जो सिंपल घर में हम डोमेस्टिक वायरिंग में कनेक्शन करते हैं। और ये टू वे स्विच का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं फ्रेंड, जहाँ हमें सीढ़ी का वायरिंग, गोदाउन वायरिंग और एक बल्ब को दो अलग प्लेस से डिफरेंट प्लेसेस से ऑन ऑफ करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आज कुछ अलग वायरिंग करते हैं हम ये टू वे स्विच की मदद से। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि टू वे स्विच की मदद से हम दो बल्ब को ऑन ऑफ करेंगे और फेज सप्लाई इस बीच में देंगे फ्रेंड्स, और एक बल्ब का यहाँ से कनेक्शन रहेगा, दूसरे बल्ब का यहाँ से रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले इसका सर्किट कनेक्शन डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो ये दो बल्ब हम ले लेते हैं, दो बल्ब ले लेंगे फ्रेंड्स, दो बल्ब ले लेते हैं। ये बल्ब वन हो गया और ये बल्ब मेरा टू हो गया। और न्यूट्रल सप्लाई हम लेंगे, न्यूट्रल लेंगे, इसको ब्लैक कलर से दिखा देते हैं। और ये मेरा बल्ब, ये न्यूट्रल पॉइंट आएगा और ये बल्ब वन में भी जाएगा और ये बल्ब टू में भी जाएगा। और मेरा जो फेज सप्लाई होगा फ्रेंड्स, फेज सप्लाई हम लेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे टू वे स्विच, लगाएंगे टू वे स्विच कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। और मिडिल पॉइंट में हम फेज सप्लाई देंगे और ये मेरा दो पॉइंट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, बल्ब वन जो मेरा फ्रेंड्स, ये मान लेते हैं मेरा बल्ब वन है और ये मेरा बल्ब टू है फ्रेंड्स। तो इसमें कनेक्शन हम कुछ इस तरह से करेंगे, ये बल्ब टू का इससे कनेक्ट कर देंगे पहले पॉइंट से, टू वे स्विच का, और यहाँ से हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो जब भी हम इसको ऑन ऑफ करेंगे फ्रेंड्स, इसको अगर यहाँ से हम ऑन करेंगे तो मेरा बल्ब, ये बल्ब ग्लो करेगा, और फिर जब इसको हम स्विच करेंगे, प्रेस करेंगे, तो फिर मेरा सेकंड बल्ब करेगा। तो इस तरह से ये मेरा एक ही स्विच से दो बल्ब, बल्ब वन और बल्ब टू ऑपरेट करेगा, ऑन ऑफ हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दो बल्ब ले लिया फ्रेंड्स, ये बल्ब वन हो गया और ये बल्ब टू हो गया। इसमें दो पॉइंट है, ये ब्लैक वायर को एज ए न्यूट्रल हम यूज कर लेते हैं फ्रेंड्स, एज ए न्यूट्रल हम यूज करते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। और एक हम प्लग ले लेते हैं, एक ये न्यूट्रल के लिए ब्लैक और ये रेड वायर जो है इसको हम इसको एज ए फेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इसको कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन करते हैं। ये देखिए कॉमन दोनों बल्ब का एक सिरा को हम ले लेंगे और इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ये मेरा एज ए न्यूट्रल पॉइंट के लिए कनेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब सिंपल है, वेरी सिंपल है। अब जो मेरा बचा हुआ है टर्मिनल, ये आ जाएगा फेज के लिए और ये एक बल्ब का और ये पहला बल्ब और दूसरा बल्ब का टू वे स्विच से कनेक्ट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। ये देखिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग में मेन है आपको समझना कि किस तरह से डायग्राम होता है। अगर डायग्राम आपके माइंड में है तो आप कोई भी कनेक्शन ईजिली कर पाएंगे। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको, ये पहला कनेक्ट कर दिया और ये दूसरे बल्ब का यहाँ नीचे वाले पॉइंट में हम इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। देखिए तो इस तरह के एक स्विच से हम दो बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऐसा जैसा कि हमने सर्किट डायग्राम बनाया है। देखिए फ्रेंड्स इसको भी, इसको जो हम सब फेज सप्लाई लाएंगे फ्रेंड्स, जो टू पिन प्लग से मेरा आ रहा है, इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। देखिए छोटा छोटा सिंपल वायरिंग है लेकिन आप इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए मेरा हो गया कनेक्शन, आइए अब इसको हम ग्लो करके देख लेते हैं। ये आ गया मेरा एक्सटेंशन बोर्ड और ये मेरा टू वे स्विच हो गया, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया और इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे और यहाँ से हम इसको सप्लाई दे देते हैं एक्सटेंशन बोर्ड से।
तो देखिए मेरा बल्ब एक ये बल्ब जल ग्लो कर गया फ्रेंड्स। अब देखिए ये मेरा नेक्स्ट बल्ब ग्लो किया। तो इसी तरह से ये एक कॉमन टू वे स्विच से हम दो बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं वेरी इजीली। देखिए कितना सिंपल है फ्रेंड्स। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।